हमारी बात समझने की कोशिश करो। आपको समझने को नहीं बचा मामा, कुछ नहीं बचा। तुम पर क्या बीत रही है मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन हमारी हालत समझने की कोशिश करो। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद डॉक्टर ने हमें बताया अर्चना को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। हम बुद्ध बनकर खड़े के खड़े ही रह गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि जितनी हो सके उतनी ये खबर अर्चना से छुपा के रखिए, वरना उसकी जान को खतरा है। बेटा तुम्हारी जान बचाने के लिए हमने ये सब कुछ किया, किसी और का बच्चा तुम्हारी गोद में ला के रखा, और वैसे भी उस वक्त तुम्हें बच्चे की जरूरत थी और इसे एक माँ की जरूरत थी। ऊपर वाला तुम्हें बच्चा देना चाहता था, लेकिन शायद उसे ये मंजूर नहीं था कि तुम्हारी गोद में खेला हुआ बच्चा तुम्हारी कोख से जन्मा हुआ हो। हमने ये सब कुछ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया अर्चना। अर्चना बेटा देखो इस बच्चे को गौर से देखो। तुम्हें कहा था ना कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। हाँ बेटा आज तुम्हें सच्चाई का पता चल गया, इसलिए इस बच्चे से इतनी बड़ी नफरत हो गई। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का पता ना चलता तो क्या जिंदगी भर इसे अपना बच्चा समझकर नहीं पालती? हाँ देखो बेटा सिर्फ जन्म देने से कोई माँ माँ नहीं बन सकती। देखो इस बच्चे को। इस घर में जिंदगी है, इस घर में देखो। हाँ कोई कहेगा ये पुराना मकान था? देखो हर चीज नहीं है। बैठो 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 बैठो। नहीं देखो देखो अब बताओ कैसा लगा नया घर? देखो किसी बात का दुख हो बता देना, शर्मा जी से कहकर बस वो दुख दूर। क्या हुआ क्या हुआ बेटा? खुशी के आंसू निकला से पूछ रहा हूं, आप जैसे इंसान हैं इसीलिए अभी तक इंसानियत जिंदा है। आपने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, इतना अच्छा घर। बस अब चाची के ले आओ। ख्याल करेगी ना वो? बस अब जितनी जल्दी हो सके चाचे को ले आओ। भूपति साहब नमस्कार। बहुत दिनों के बाद। आपकी तारीफ। ये श्याम सुंदर जी है, मेरे जैसे बाल ब्रह्मचारी। ये आपके पड़ोसी है श्रीमान मिंडे। भिंडे नहीं, इसे करेक्ट कर लीजिए, भिंडे नहीं मिंडे। वी मिंडे 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 मिंडे। अच्छा ये बताइए आप कब रहने आ रहे हैं? आप आएंगे ना तो हमारी आपकी बहुत जम जाएगी। देखिए आपको चेस खेलना आता है?
चेस खेलना और रोमांटिक फिल्में देखना बस मेरी जिंदगी की एक ही कमजोरी है। आप आएंगे तो हमारी आपकी जम जाएगी। आप यहाँ से जाइए, हमें बहुत कुछ काम है। इनकी चाची आने वाली है। रियली? दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी चाची की उम्र क्या होगी वैसे? आपने कुछ कहा? जी नहीं। ओके ओके। आपकी वाइफ, मेरा मतलब शादी की आपने? हमारे सामने शादी की बातें नहीं होती। ओके ठीक है यार, भूल गया भाई, भूल गया, बहुत दिन के बाद मिला हूं ना यार। वैसे श्याम सुंदर जी, मैंने तो दो शादियां की हैं। आप यहां से निकलते हैं या नहीं? ओके यार, क्या है इनकी प्रॉब्लम? ये है कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इनको गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है। वैसे इनके जितने पैसे मेरे पास होते श्याम सुंदर जी, तो बाय गॉड मैं चार चार शादियां, चार चार। आप यहां से जाइए। ओके यार, जा रहा हूँ यार, चिल्ला क्यों रहे? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा श्याम सुंदर जी, ओके ओके। वैसे चाची आए तो मुझे मिला दीजिए। ओके ओके, ओके। जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। वैसे चाची कब आएंगे? जाइए। आज के औरतों के तरक्की के बारे में आपको क्या कहना है? They are doing very well. मर्द औरतों की डेवलपमेंट देखकर जल रहे हैं या खुश हो रहे हैं? मर्द जलते हैं तो जले, औरतों की तरक्की नहीं रुकेगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, चंद सवाल आपसे। आप लोग एक दूसरे को जानते हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। तरक्की की गई औरतों को मर्दों के सहारे की जरूरत है या नहीं? औरत मर्द के बगैर कभी तरक्की कर ही नहीं सकती। सदियों से उसको कमोडिटी की तरह यूज किया गया है। देखिए ना, आज तरक्की करने के बाद भी वो वही है। आजकल के मर्द इसी ख्याल में जीते हैं कि औरतें उनके पैरों की जूती हैं, लेकिन औरतों ने भी ये साबित कर दिया है कि वो ऐसी जूती हैं जिनके बगैर ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। और रही बात तरक्की की, तो वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही हैं। इसी बात का तो इन्हें दुख है कि वो उनसे सहारा क्यों नहीं मांगती। तो आप इस बात में सहमत हैं कि औरतों को आगे बढ़ने के लिए मर्दों के सहारे की जरूरत नहीं है? देखिए, इन औरतों को इस बात का गुमान है कि इनको किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ये घर से बाहर कदम रखती है ना, इन्हें सबसे पहले हमारे सहारे की जरूरत पड़ती है। किस दुनिया में रहते हैं आप? किस दुनिया में? आजकल की औरतें पायलट, डॉक्टर, प्रोफेसर, क्या कुछ नहीं बन रही हैं। और इसमें आपने कौन सी मदद की, बोलिए ना? बस, कौन सी मदद की? बस सिर्फ यही करना जानती हैं आप, चिल्लाना जानती हैं। और कुछ आता है आप लोगों को? हम जो कर सकते हैं वो आपके बस का रोग नहीं है। अच्छा, जो हम कर सकते हैं अगर वो आपको करना पड़े ना, तो आप यहाँ से भाग खड़ी होंगी? अरे जाइए जाइए, तरक्की की बात मत कीजिए। घर से बाहर निकलना कोई तरक्की नहीं होता है, मेंटल लेवल हाई होना चाहिए। यू नो व्हाट, चेंज द स्टाइल ऑफ योर थिंकिंग। आज की औरतों ने तो आप लोगों के सोचने का अंदाजा बदल ही दिया है। वैसे आप लोग हम पर जलते हैं, ये बात भी सही है। अब ये जमाना नहीं रहा है कि औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर रह जाएं और रसोई घर में दिन रात खाना बनाती रहे। जमाना आज भी वही है, उस लेवल से आज तक आप ऊपर उठ नहीं पाई हैं, समझिए आप। प्लीज आप झगड़ना बंद करो, मारपीट नहीं है, ये डिबेट है। प्लीज स्टॉप दिस। आप लोग इस तरह से लड़ेंगे तो मैं सवाल कैसे पूछूंगी? मुझे इस औरत जात से सख्त नफरत है। आपकी जात भी ऐसी नहीं है जिससे प्यार किया जाए। मैं भी नफरत करती हूँ मर्दों से। लेकिन यहाँ नफरत की बात नहीं, तरक्की की बात हो रही है। अरे इन लोगों की वजह से ही आज तक औरतें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। वरना इस दुनिया में इंदिरा गांधी की कमी नहीं होती। और वैसे भी इतिहास गवाह है कि हम ही लोगों ने इस देश का नाम ऊंचा किया है। अच्छा, और हम मर्दों ने नीचा किया है? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, किस किस का नाम लूं? अरे अगर बहस करेंगी ना तो सदियां गुजर जाएंगी। अरे अब वो दिन भी दूर नहीं जब आप लोगों को हमारे पीछे चलना पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि औरतों ने तरक्की की है या नहीं। अरे आप क्या बताएंगी कि तरक्की क्या होती है? आप लोग तो हमें इस्तेमाल कर आगे बढ़ जाती है। स्वार्थी होते हैं आप लोग, किसी की भावना और किसी के जज्बातों की कोई कदर नहीं होती आपको। हाँ हाँ, और आप लोग तो बड़े शरीफ होते हैं। और आप लोग किसी का पर्स लेकर बीच बाजार में भागते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आई हेट मैन, आई हेट वुमेन। शट अप, यू शट अप, यू शट अप, यू शट अप। ये क्या हुआ डॉक्टर साहब? अभी अभी तो 5 मिनट पहले बिल्कुल ठीक था, अभी इतना तेज बुखार कैसे आ गया? हल्का सा बुखार शायद पहले से हो, लेकिन आपके ध्यान में नहीं आया है। और वैसे भी आप कह रहे हैं कि बुखार के बावजूद भी बच्चा काफी एक्टिव है। जी जी। वो मौसम अचानक बदल गया है ना, देखिए ना रात को कितनी ठंड और दिन में गर्म होता है, शायद मौसम का असर हुआ होगा। पर ये ठीक तो हो जाएगा ना जल्दी? हाँ हाँ,
क्या क्या हुआ प्रथम को? ये क्या हो रहा है आंचल जी? अजीब मुसीबत है, जब भी ये आता है कुछ ना कुछ हो जाता है। तुम ठीक से ख्याल नहीं रखती इसका। कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा बेटा है और डॉक्टर ने मुझे अभी अभी कहा कि वेदर चेंज की वजह से इसे बुखार आ गया है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक से ख्याल नहीं रखती हो, सिर्फ इसलिए सब हो रहा है और कुछ नहीं। मेरे यहाँ ये सब क्यों नहीं होता? डॉक्टर साहब आप ठीक से जरा चेकअप कीजिए, उसके बाद मैं ले जाना चाहता हूँ। नहीं मिस्टर राहुल, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। इस हालत में अगर आप उसे घर से बाहर ले जाए तो तबीयत और बिगड़ सकती है। घबराने वाली कोई बात नहीं, हल्का सा बुखार है, आई एम श्योर दो चार दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। आज इसे मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, आज के बाद मैं फिर यहाँ नहीं लाऊंगा इसे। कभी उल्टी सीधी बातें सिखाती हो तो कभी बीमार हो जाता है। अब चाहे अदालत कुछ भी बोले वो यहाँ नहीं आएगा। शायद बच्चे को बीमार देखकर अपसेट हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इसे मंगवा लीजिएगा प्लीज़। और हाँ, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिए, पर आई एम श्योर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू। आपको धन्यवाद कैसे दूँ समझ में नहीं आता, आप तो देवता है देवता। ये खुशखबर अपने चाचे को बता दी है या नहीं? आज दूंगा श्रीमान, फोन करके बताओ। हाँ एसटीडी करना होगा, चलेगा? एसटीडी नहीं है ना? नहीं है? नहीं तो बाहर जाके करो। तो जाओ जाओ, जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ। जी ऐसे बाल ब्रह्मचारी आजकल के युग में कहाँ मिलते हैं? ए बेटा। शाम? ए किसको शाम बोलता है बे? तेरी जिंदगी से निकाल डालूंगा, दिन रात सुबह शाम, समझा ना? वो घोचू किधर है? हैं? सुना है वो घोचू चाची को इधर ला रही है? एक चाची इधर नहीं आएगी, चाची अपुन के संग रहेगी, समझा ना? अरे वो घोचू बहुत शाना है, चाची की अक्की डॉलर अपने गले में डालने को मांगता है उसको, समझाना उसको, नहीं तो तेरा भी रामकली के गली में जाना बंद कर दूंगा ऐसे। रामकली? कौन रामकली? ए भंकस नहीं मारने का, समझाना? रात होने के बाद रामकली के गली में कौन जाता है बे? तू ये तेरा जुड़वा भाई माँ कुंभ के मेले में खोया हुआ है तेरी तो है? मैं तो तेरा बाल ब्रह्मचारी। ए बहुत देखे तेरे जैसे ब्रह्मचारी मनोज पर माफी, हाथ रखो ना, चल उस घोचू को समझा। क्या किधर वो घोचू? ओ फोन स्त्री फोन। अच्छा बहुत फास्ट है बे वो, हैं? चाची को इधर लाएगा, उसको समझाना, क्या समझाना, और आने के बाद बोलना मेरे मोबाइल पे पेजर करने को। वो क्या होता है? समझ जाएगा वो, तेरे को नहीं समझेगा, समझा ना? तेरी तो ब्रह्मचारी बनता है डरता है सबको साला, अड़ा सावन की घटा। आह मुझे पता है भगवान कि आप मेरे बुरे कर्मों की सजा मुझे दे रहे। मैंने सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, भैया को भाभी से अलग किया, भाभी को उनके बच्चे से दूर किया, यहाँ तक कि अपने पति विश्वजीत को भी धोखा दे दिया, उन्हें अंधेरे में रख के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा लिया। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन इसकी सजा आपने मेरे बच्चे को क्यों दी? मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और किसी और का बच्चा मेरी गोद में लाके रख दिया।
मैं जानती हूँ, मुझे एहसास है आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे सजा भी दी और माँ की ममता की लाज भी रख ली आपने। मैं भी इसे यशोदा माँ की तरह पालूंगी, कभी इसे एहसास नहीं होने दूंगी कि ये मेरा बच्चा नहीं है। आज से आप एक नई अर्चना देखेंगे भगवान, वो अर्चना जिसे सब बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। अगर वो डॉक्टर ने बीच में टांग नहीं अड़ाई होती तो आज ही मैं प्रथम को यहां ले आता था। जब भी वहां जाता है कुछ ना कुछ हो जाता है उसको। अरे बच्चे हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम होता रहता है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? आंचल ठीक से ध्यान नहीं रखती, सिर्फ इसलिए ये सब होता है। जब वो यहाँ होता है माँ के पास तो कुछ नहीं होता उसको, क्यों? भैया मम्मा जब प्रथम की दादी होकर उसका इतना ख्याल रखती है तो आंचल तो उसकी माँ है, वो ख्याल नहीं रखेंगी क्या? वो लापरवाही करे वो पॉसिबल नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। अब मैं माँ हूँ, माँ की क्या फीलिंग्स होती है मुझे एहसास है इसका। हाँ राहुल, अर्चना बिल्कुल ठीक कह रही है, इस तरह आंचल को दोष देने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने उसे यहाँ लाने से मना किया तो ठीक ही कहा है, लाने जाने में उसे हवा लग जाती तो तबीयत और खराब हो जाती। कोई बात नहीं, हम खुद जाकर उसे देखेंगे। ये आप लोगों को क्या हो गया? गलती आंचल की है लेकिन सब लोग उसका ही पक्ष ले रहे हैं। आप लोग को जो करना है ना आप करिए। राहुल ये जरूरी नहीं कि वो जो कह रहा है वो ही सच हो। आइए मिस्टर वर्मा। थैंक यू। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, मुझे डर लग रहा था कि शायद आप लेट हो जाएंगे और मिस्टर किशन जी आ जाएंगे तो उनके सामने मैं बात नहीं कर सकूंगी। जी कहिए। मैंने आपसे कहा था पेपर्स बनवाने के लिए। हाँ हाँ। आप पेपर्स बनवा दीजिए, गोपाल जी की साइन मैं लाऊंगी। ठीक है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैंने आपसे बताई थी वही रहेगी। ठीक है, देखिए आप मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ तैयार करके ला दूंगा, लेकिन उस पर साइन आपको लाना पड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए पेपर्स पे साइन तो मैं करवा ही लूंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।